लादेन का बेटा मारा गया, अमेरिका ने इसकी पुष्टि की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज, मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलकायदा समूह के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन की मौत की शनिवार को पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमजा बिन लादेन एक अमेरिकी आतंकवाद विरोधी अभियान में मारा गया था। वहीं व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा है कि हमजा बिन लादेन आतंकवादी संगठन में तेजी से प्रमुख व्यक्ति बन गया था। हमजा बिन लादेन विभिन्न आतंकवादी समूहों के साथ योजना बनाने और अंजाम देने के लिए जिम्मेदार था। हमजा अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में अमेरिकी आतंकवाद विरोधी अभियान में मारा गया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि हमजा की मौत असल में किस जगह और किन परिस्थितियों में हुई। गौरतलब है कि अमेरिकी मीडिया ने जुलाई अगस्त के महीने में खुफिया अधिकारियों के हवाले से हमजा की मौत की बात कही थी, लेकिन इसकी पुष्टि तब नहीं की गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार हमजा की आयु 30 साल के आसपास थी। हमजा का आखिरी बयान 2018 में अलकायदा की मीडिया शाखा द्वारा जारी किया गया था। हमजा ने उस संदेश में सऊदी अरब को धमकी दी थी और अरब प्रायद्वीप के लोगों को विद्रोह करने के लिए कहा था। सऊदी अरब ने इस साल मार्च में उसकी नागरिकता छीन ली थी। इस साल की शुरुआत में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने हमजा को अलकायदा में एक उभरता हुआ नेता बताते हुए उसके पता ठिकाने की सूचना देने के लिए $10,00,000 का इनाम घोषित किया था। आपको बताते चले कि हमजा के पिता और 9/11 के मास्टरमाइंड अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिकी कमांडो ने ही 2 मई 2011 को पाकिस्तान में मार गिराया था।